hello students today we discuss about the lesson number 13 chemical change and chemical bond in the last year we have discussed about the physical change and chemical change so how that uh, we classify the changes so there are two method of classification of changes that is physical change and chemical change now what is the difference between physical and chemical change so कौन सा चेंज फिजिकल है और कौन सा चेंज केमिकल है ये हम किस तरह से पहचान सकते हैं इन फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म तो फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस का कंपोजिशन है उसमें रहने वाले जो कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है तो वो चेंज होते हैं क्या नहीं और उसमें न्यू सब्सटेंस भी तैयार नहीं होगा

ripening of banana fragrance on ripening fruits and darkening of a cut potato bursting of an inflated balloon sound of bursting fire crackers. now if we have to classify the changes physical or chemical change so out of these which are the physical change melting of ice boiling of water and dissolution of salt in water so these are physical changes क्योंकि क्या होता है आइस मेल्ट होने के बाद क्या होता है वाटर फॉर्म होता है और जब हम वाटर को फिर से क्या करते हैं लो टेम्परेचर पे रखते हैं एट जीरो डिग्री सेल्सियस तो उसका फिर से क्या तैयार होता है आइस तैयार होता है देन डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर जब हम वाटर में क्या करते हैं सॉल्ट क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं तो क्या तैयार होता है सॉल्ट सोल्यूशन और जब हम ये सॉल्ट सॉल्टी वाटर को जब हम क्या करते हैं बॉइल करते हैं तो क्या होगा वाटर निकल जाएगा से और सोल्ट क्या रहेगा रिलेट बिहाइंड तो ये सब जो चेंजेस है वो क्या है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल क्या है राइपनिंग ऑफ मैंगो इज अमिकल रिएक्शन राइटनिंग ऑफ बनाना फ्रेग्रेंस ऑफ राइटनिंग फ्रूट डार्कनिंग ऑफ कट पोटैटो जब हम पोटैटो क्या करते हैं कट करके रखते है तो क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके कारण पोटैटो क्या होता है ब्लैक हो जाता है बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलूनस साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर तो ये सब क्या है दीज आर दमिकल चेंजेस नाउ टू डू वन एक्टिविटी टेक द लाइन ज्यूस इन अ क्लीन ग्लास एंड टेक टू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड टेस्ट तो हमें क्या करना है लाइम ज्यूस या लेमन जूस क्या करना है ग्लास में लेना है और फिर क्या करना है हमें वो जो जूस है वो हम क्या करेंगे एक स्पून में लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन द ग्लास ऑफ लेमन जूस अब जिस ग्लास में हमने क्या लिया है लेमन जूस लिया है उसमें हम क्या करेंगे थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे उसमें बेकिंग सोडा तो क्या होगा आपको क्या दिखाई देगा ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो तो जब हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा ऐड करते हैं लेमन जूस में तो क्या होगा देर इज अ बबलिंग अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ सोडा एंड ऑल्सो वी हियर्स अबो एक्टिविटी इज टू बी डन यूजिंग क्लीन ऑपरेटर्स एंड एडिबल मटेरियल मेनी परवेश अबो एक्टिविटी गैस इज सीन टू बी लिबरेटिंग इन द फॉर्म ऑफ बबल्स तो बबल्स के फॉर्म में गैस हमें निकलते हुए दिखाई देता है

बेकिंग सोडा इसमें रिएक्शन होती है तो क्या होता है देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और उसके कारण उसकी टेस्ट भी क्या होती है चेंज होती है ड्यूरिंग द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज दस द चेंज दैट टेक्स प्लेस ऑन एडिंग बेकिंग सोडा टू लेमन जूस क्या है केमिकल चेंज समाइम्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स Observation are perceived during a chemical change. Jab chemical change. happening. there are some changes we can observe. So this enable us to know that a chemical change has taken place. Some of these observations are enlisted in the table thirteen point one. So see the table thirteen point one. Here uh, the diagram of cut apple is given. When we cut the apple, what happened? ट इन आयरन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड सो देर इज अ ऑक्सीडेशन और उसके कारण थोड़ी देर बाद जो एप्पल uh, रहता है कर्ट एपल वो क्या होता है काला होता है या रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स नेल्स वेन कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम तो क्या होता है देर इज अ डिपोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन द सर्फेस ऑफ द आयरन नेल्स so it is also the oxidation of iron that is ferric oxide is formed so we can observe the various types of uh, chemical changes in our surrounding now chemical change and word equation now we discuss about the uh, chemical change and word equation so during a chemical change composition of a original substance स हैल कंपोजिशन चेंज होता है जो ओरिजिनल मैटर का केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा चेंज होगा और उससे न्यू सब्सटेंस तैयार होगा और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी डिफरेंट रहेंगी फ्रॉम द केमिकल कंपोजिशन और फ्रॉम द प्रीवियस वन सो केमिकल इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर अ केमिकल चेंज जब केमिकल चेंज होता है तो क्या उस चेंज को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन इफ द एग्जैक्ट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन इज नोन सो नेम्स एंड केमिकल फॉर्मुलरिजिनल्ड राइटिंग तो कौन सा भी इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो उसमें हमें क्या पता चाहिए ओरिजिनल सब्सटेंस कौन से है और न्यूली फॉर्म सब्सटेंस क्या है उसके केमिकल फॉर्मूले क्या है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिकुलर फॉर्मूला सिम्बोल्स ऑफ एलिमेंट एंड देन वी कैन राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर एग्जांपल व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू लेमन जूस अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस इन द साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन द लेमन जूस एंड द गैस फॉर्म इज कार्बन डाईऑक्साइड सो द वर्ल्ड इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर दिस केमिकल रिएएक्शन साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाय ग्यूथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट लेमन जूस में क्या रहता है विच एसिड इज प्रेजेंट साइट्रिक एसिड और व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाय कार्बोनेट तो व्हेन देर इज अ रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड सोडियम बाय कार्बोनेट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम साइट्रेट सो एसिड रिएक्ट विथ अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर और ये जो रिएक्शन है इसे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है वर्ड इक्वेशन लिखना है बायजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्ट सबस्टेंसेज ना वेन द केमिकल फार्मूला इज रिटर्न इन प्लेस ऑफ इच ऑफ द नेम्स इट बिकम्स अ केमिकल इक्वेशन जैसे साइट्रिक एसिड है उसके लिए हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे सोडियम बायकार्बोनेट के लिए लिखेंगे और ये जो रिएक्टेंट्स है यानी जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स और ये दो रिएक्टेंट अगर है तो उसके बीच में क्या रहता है प्लस साइन और जब न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है तो क्या किससे इंडिकेट करते हैं एरो सो एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो आर ओरिजिनल सब्सटेंस दैट टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन तो उसे क्या कहते हैं रिएक्टेंट्स And new substance form as a result of the reaction is called product. So, place for the product of a reaction is on the right side of the arrow. And in this way, we can write the chemical equation for a chemical reaction.